और उनके जो हफ्ते हैं उसमें तीन चार बातें सामने आ रही हैं। पहली बात तो यह है, हफ्ते के शुरू होते ही उनके दिल दिमाग पर धुंध छाई रही गई। उस धुंध की वजह से वो कुछ सोच नहीं सकेंगे, लेकिन ये वक्ती असर है, बाद में ये उनका दिल दिमाग साफ हो जाएगा। नंबर दो जो बात आ रही है वो बहुत अच्छी बात है कि ये उनके लिए एक ऐसा वक्त आ रहा है जिसमें दुआ कबूल हो जाती है। तो मैं अमली अफराद से कहूँगा कि वो इस हफ्ते दुआ करें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह का रजू करें, दुआ करें, क्योंकि उनकी दुआ कबूल होने वाली है, उनको बड़े रूहानी फवायद हासिल हो जाएंगे। नंबर तीन बात जो उनके मेरे सामने आई हुई है कि वो कोई उनके आमदनी के नए ज़राए उनके जहन में आ रहे हैं। पहले उनको काफ़ी खासी आमदनी है, ऊपर से नए ज़राए आ रहे हैं और ज़ाहिर है उनकी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है माली तौर पर। अब उस चीज़ की तरफ आता हूँ जिसको रोमानवी जिंदगी कहते हैं। सारा हफ्ता उन पर रोमानवी तौर पर कोई ना कुछ महसूस करते रहेंगे सारा हफ्ता, लेकिन ये जो रोमानवी प्लानट है जो जिससे उन्होंने ये महसूस करना है, वो ये भी कह रहे हैं कि वो ज़रा सोच समझ आगे बढ़े, कहीं वो अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे। ठीक, लेकिन रोमानवी जो ख्याल हैं वो उन पर छाए रहेंगे पूरा हफ्ता। ठीक, ओके। अब मैं सोर की तरफ आता हूँ। जी टॉरस, सॉरी हज़रत। हाँ जी टॉरस रात की तरफ जनाब, ये है कि हफ्ते के शुरू होते ही नमाज की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। वाह, अच्छा। और ये उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त है। रोमांस एक ऐसा वक्त होता है जब रोमांस शुरू किया जाए तो बड़ा कामयाब रोमांस होता है। ये उनके लिए अच्छा वक्त आया पड़े, अमली असाद के लिए दुआ का वक्त अच्छा आया पड़े, सॉरी अजराज के लिए रोमांटिक लाइफ अच्छा वक्त आया पड़े। वो जो भी रोमांस में चाहते हैं वो आगे बढ़ें और वो इसमें कामयाब होते नज़र आते हैं। उसके बाद जो एक और सितारे लगे हुए हैं जुमरात, बुध जुमरात को, वो कोई बहुत मुश्किल मसला हल कर लेंगे जैसे उनको काफ़ी इत्मीनान होगा कि मेरी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो गई है। उसके बाद जो एक उन्होंने ख्वाब बनाया हुआ है अपना कि मैं पेशावराना तौर पर ये मेरा ख्वाब है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो प्लानट आए पड़े हैं, आप कोशिश करें सॉरी हजरात, आप उसको अमली जामा पहना सकते हैं और आगे बढ़ें और रोमानवी ज़िंदगी की आपको बहुत मुबारक हो। मुबारक हो जेमिनाई जोजा। और ये भी नजर आ रहा है कि लोग इस हफ्ते आपकी तारीफ बड़ी करेंगे। अच्छा, ये भी सॉरी हजरात के लिए आपकी लोग बहुत तारीफ करेंगे जी, काम बड़ा अप्रिशिएट किया जाएगा। वो लड़की भी तारीफ करते नजर आ रही है ना, जिसकी वजह से रोमांस इतना अच्छा नजर आ रहा है। अच्छा, ये तारीफ फैली हुई है हर तरफ। जोजा जेमिनाई आ जाए। जोजा हजरात के लिए ये है कि आप कोई मोबाइल पर कोई चीज पोस्ट करने लगे हैं, आपको ये बड़ा शौक है मोबाइल पर पोस्ट करने का, हर वक्त कोई ना कोई मोबाइल पर आप पोस्ट करते रहे, लेकिन इस हफ्ते जो चीज़ आप पोस्ट कर रहे हैं उससे आपको शोहरत मिलती नजर आ रही है, वो वायरल हो जाएगी, लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे और आप लुत्फानंदोज़ होंगे। उसके बाद अगर वो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, वो भी सितारे लगे हुए हैं, यूरेनस और अतारत का आपस में रिश्ता बना हुआ है, जब भी यूरेनस अतारत का रिश्ता बने तो एस्ट्रोलॉजी का शौक पैदा होता है और आदमी एस्ट्रोलॉजी सीखने के काबिल हो जाता है। तो ये दूसरी बात है, जो अगर वो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या और कोई इल्म सीखना चाहते हैं, बड़े अच्छे प्लैनेट आए हुए हैं, उनको चाहिए आगे बढ़ें और सीखें। और दूसरा यह है कि आप लोगों को समझ जाएंगे, आपके पेशेवराना जिंदगी में जिन लोगों से आपका वास्ता पड़ा हुआ है आप उनको समझ जाएंगे। ये मैंने हालात बताए जेमिनाई के। आ जाए जी अब कैंसर सरतानी हजरात। अब आते हम कैंसर की तरफ, सरतानी हजरात की तरफ। सरतानी हजरात, आपके नामे खाने में जुपिटर और नेपच्यून किरण कर रहे हैं, तो नाइन्थ हाउस मजहब का खाना होता है, नाइन्थ हाउस फलसफे का खाना होता है, नाइन्थ हाउस आला तालीम का खाना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सतानी अफराद हैं वो इस हफ्ते मजहब में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते नज़र आते हैं। अच्छा, क्योंकि उनके प्लानट जो हैं उनको इस तरफ ला रहे हैं। और दूसरा ये है कि अपना जितना भी ये इतना अच्छा वक्त है इनके लिए कि इस्तगराक और रूहानी की तरफ आए, कामयाबी होगी और उनको बड़ी कामयाबी होगी। और आपको जिंदगी के बारे में कई सवालात हैं आपके जहन में, उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरा ये भी आया पड़ा है कि आप कंप्यूटर सीखने की कोशिश करें। अच्छा, कंप्यूटर आपकी वजह से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। लियो जी असदी। और आप अपने जो फैमिली लाइफ है सरतानी हजरात, अपनी जो अजवाजी जिंदगी है उसमें आपको बहुत सुकून मिलता नजर आ रहा है। ठीक हो गया लियो जी, बेस्ट ऑफ लक। अब मैं आता हूँ असद के तरफ, तो आपका माली मामला सामने आए पड़े हैं, माली मौके मिल रहे हैं, इन माली मौकों को इस्तेमाल करें और आपका वजदान भी आपकी मदद कर रहा है कि किस तरह आपने कदम उठाना है, इससे आप माली तौर पर फायदे हासिल करते नज़र आते हैं। और उसके बाद हफ्ता के वस्त में आप किसी मसला जो आपका बना हुआ है उसको भी हल कर लेंगे। अच्छा, ये भी एक अच्छा प्लान लगेगा आपका। और आपको नए नए ख्याल आ रहे हैं, जिद्दत राजी, जिद्दत पसंद है आप, ओरिजिनल आइडियाज। अच्छा, वो जो जिद्दत वाले ख्याल हैं उनकी वजह से आप जिंदगी में मजीद आसानियाँ पैदा करने के काबिल हो जाएंगे। तो असली हजरात, रोमांस का प्लान भी आया पड़े। वाह,
नए रोमांस का, आपके तो हर वक्त रोमांस ही आते रहते हैं, अब एक नया रोमांस आ रहा है इस हफ्ते, कमी नहीं है कोई। तो ये जो रोमांस आ रहा है इसके सिलसिले में अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं याद करूंगा कि अगले महीने इसके सही चेहरा आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, जरा हट के, जरा बच के, वरना आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। एक महीने का रोमांस सही और आपको फिर सदमा होगा। तो आप ऐसा करें, इस रोमांस को जरा सोच समझ कर आगे बढ़े, आ जाए जी, आगे आ जाए, वीरगो पे आ जाए, सुंबला पे। और कुछ लोग आपके जिंदगी में दाखिल हो रहे हैं, अब मैं आता हूँ सुंबला की तरफ। सुंबला का हजरात जो है उनकी रोमांस ही आ रहा है पहले हफ्ते में, दिनों में, लेकिन लगता है कि जो रोमांस के प्लैनेट्स हैं वो बेकाबू हो गए हैं इस हफ्ते। इस हफ्ते तो वो जो सुमला को रोमांस आ रहा है वो जरा सोच समझ के आगे बढ़े, उससे ज्यादा हाँ ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता ना करें, लेकिन कामयाब हो ना हो ये रोमांस खूबसूरती ला रहा है उनकी तरफ। वाह वाह, चलो पैसे कैसे हैं, माली हालात कैसे हैं? माली हालात माशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे और बेहतर, खरीदो फरोख्त बहुत नजर आ रही है, पैसे कमाने का जुनून सवार है, और सेहत भी ठीक रहेगी, और सेहत भी ठीक रहेगी, और आपके हालात जो है माशाल्लाह। आप बच्चों के साथ कोई तफरी मनाने का भी प्लान कर रहे हैं? ठीक है, तो वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। आ जाए जी, अब मीजान लिब्रा। मेरे जो है मीजानी हजरात, आप एतवार के दिन अपने बारे में, अपने काम के बारे में पुरउम्मीद हो जाएंगे, और जो कुछ आप कर रहे हैं इसके नतीजे आपके सामने आ रहे हैं। आप इस हद तक मसरूफ हैं कि आपके जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो रूटीन लाइफ है, वो भी आप भूल जाएंगे, इस हद तक मसरूफ हैं। तो जरा अपने सारे मामलात को जहन में रख कर अपने मामलात को हल करें, और किसी खास मीटिंग को, खास मकसद को ना भूलें, ये वादा नजर आ रहा है, और कहीं जल्दबाजी का आप शिकार ना हो जाएं। और आप अपने कैरियर के बारे में सोचेंगे, आप जो कुछ कर रहे हैं इस हफ्ते, अच्छी बात जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ आपने कोई नया सिलसिला चलाना है, नया ख्यालात आया हुआ है, मुझे मिसाल देनी पड़ेगी, जरखेज जमीन में अगर दाना बो दिया जाए तो जबरदस्त, किस तरह फल फूल के बारे में यही आप कर रहे हैं मुस्तकबिल के बारे में इस हफ्ते। और एतवार को मिजानी अफराद आप ज्यादा पुरउम्मीद हो जाएंगे, तो मैं यूँ कहूँगा कि एतवार को पुरउम्मीद हो जाएंगे, जुम्मा जमरात को मजीद, और आखिरी जो एतवार आएगा इस हफ्ते का उसमें आप और ज्यादा अपने हालात को बेहतर महसूस करेंगे। अब मैं अकरब की तरफ आ रहा हूँ, स्कॉर्पियो अकरब हजरात, सबसे ज्यादा रोमानवी जो सूरत हाल बनी पड़ी वो आपकी है। अभी आप कह रहे थे कि रोमांस जो है कंट्रोल नहीं हो रहा, ये कंट्रोल अकरबी हजरात के जो सितारे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, और वो ऐसा लगता है कि वो अपना बहुत वक्त या सारा दिन अपने रोमानवी साथ एक साथ गुजारते नजर आ रहे हैं। अच्छा, और आपकी इस हफ्ते एक और अच्छी बात होने वाली है, किसी ऐसे जहीन शख्स से आपकी मुलाकात हो रही है जो आपके लिए बड़ा मददगार साबित होगा। इस जहीन शख्स से आप अपना तलक बनाएं और इस तरह आप आगे चलते आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। उसके बाद 23 मार्च को आपका रोमानवी जिंदगी और बढ़ जाएगी, जब बुध जुमरात को एतवार से शुरू होगी। उसके बाद जो मजीद आपके लिए खरीदी फरोख्त का कोई नज़र आ रहा है, और आपकी फनकाराना सलीकें जो हैं वो और बढ़ जाएंगी। एक बात जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो लोग मुलाजमत में हैं, जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो ये है कि आप पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ रहा है, तो रोमानवी जिंदगी तो अपनी जगह, ये लाइटर साइड ऑफ लाइफ, जो हैवी साइड ऑफ लाइफ है दैट इज बिजनेस, दैट इज जॉब, बिल्कुल, तो वो उसके लिए आपको जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ रहा है, वो अपने आप को तैयार कर ले। अब मैं आता हूँ, आ जाए जी आप, आपको खानदान का कोई शख्स, आपकी फैमिली का कोई शख्स है वो आपको मायूस करता नजर आता है। आपके ये कई सालों से फैमिली के मामलात बने पड़े हैं रिश्तेदारों के, भाई बहनों के, और वो आपके साथ तामन नहीं कर रहे, तो वो उनमें से कोई शख्स है, आप फैमिली लाइफ से या फैमिली के लोगों से पहले बेजार हैं, तो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आप मुझे मायूस होते नजर आते हैं, और अपने प्रॉपर्टी का मामला जो है उसको हल करने के लिए कोशिश जारी रखें और अपनी इस बेजारी को ख़त्म करें। उसके बाद आप पर प्रोफेशनल पेशेवराना तौर पर आप पर बोझ है इस हफ्ते, अच्छी बात यह है कि वो बोझ कम हो रहे हैं, आपकी कोई शख्स आपकी मदद को पहुंच रहा है या आप किसी शख्स को अपना काम सौंप रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इससे आपका बोझ कम हो जाएगा, और यूं आपकी सूरत यहाँ नजर आती है। आपका जो चौथा खाना है, घर का खाना है, फैमिली का खाना है, वो ही मुझे सामने नजर आ रहा है इस हफ्ते। आपने फैमिली के लिए बहुत कुछ किया हुआ है और इन लोगों ने आपको बड़ी खुदगर्जी से इस्तेमाल किया, हाँ वो इस्तेमाल किया है, आप बड़े बेजार हैं, बहरहाल एडजस्ट करने की कोशिश करें, यह सूरत हाल इस हफ्ते सामने आई पड़ी है।
वैसे जहां तक सिर्फ कतलक है वो मुझे अच्छी नजर आती है आपके, तुम्हारा ही में इजाफा होगा। कैप्रिकॉन जद्दी, अब मैं जद्दी की तरफ आ रहा हूँ। कैप्रिकॉन का यूं है कि तीन चार चीजें सामने आ रही हैं। कुछ जद्दी जो आर्टिस्ट हैं वो आर्टिस्टिकल अचीवमेंट नजर आ रही है, जो आर्टिस्ट हैं। कुछ जद्दी हजरात सियासतदान हैं, और ये जद्दी हजरात ये मोहम्मद सियासतदान होते हैं, ये कामयाब सियासतदान, ये जद्दी कामयाब के ये जोक हैं। और यानी वो जो इक्तदार में आए, पॉपुलर हुए, बड़ा अक्सर तो मैं सियासी आपने जद्दी हजरात से अर्ज करूंगा कि आपने कोई रिस्क ले लिया, और रिस्क लेने के बाद आप जो कुछ सोच रहे हैं वही आदमी सोचता है हर कोई कि अब होगा क्या। रिस्क तो ले लिया है, अब ये रिस्क जो है आपके हक में है या आपके खिलाफ जा रहा है, ये आपको कुछ देना पड़ेगा, कुर्बानी करनी पड़ेगी या लेना पड़ेगा, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। रिस्क तो आपने ले लिया और अल्लाह आपकी मदद करे। उसके बाद आपने जितने मौके ज़ाया किए आज तक, इस हफ्ते आपको एहसास होगा कि ये मैंने क्या अपना लॉस किया, कि मैंने अपने आप पर क्या जुल्म किया है, और अब आपका फिर एक दफा मुस्तकबिल सामने आया हुआ है। तो अभी क्या करेंगे? अब सोचिए, आप यही सोच रहे हैं सब। प्लैनेट कैसे लगे हुए फिर गलत राह की तरफ जाने वाले? प्लैनेट ये कह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्या मैं अपना मकसद हासिल कर लूंगा, क्या मैंने रिस्क जो लिया है वो सही लिया है। तो यूं सारे प्लैनेट नजर आ रहे हैं, और इस कशमकश में ये सारा हफ्ता आपका गुजरेगा। लेकिन आपकी जो मैं आपको अर्ज करूंगा कि अपने आप को जरा सोच समझ कर रिस्क के बारे में सोचिए। तमाम बुर्जों के अलावा सारे बुरज जब रोमांस की तरफ आते हैं, जज्बाती फैसला करते हैं। ठीक, जद्दी एक ऐसा बुरज है जो बजाय जज्बात के अकल से फैसला करते हैं, दिमाग से फैसला करते हैं। तो आप 13 मार्च को ये फैसला करने वाले हैं, 13 मार्च को आपको कुछ रोमांस के मामले में फैसला करना पड़ेगा, आया मुझे करना चाहिए या नहीं। अभी से आप सोचना शुरू कर दें ताकि 13 मार्च को आप फैसला करने के काबिल हो जाए। मैं दलवी हजरात की तरफ आ जाएं जी, एक्वेरियस दलवी हजरात। दलवी हजरात ये ख्यालात तस्वीरात का शिकार होते नजर आ रहे हैं पूरा हफ्ता, बस ख्याली पुलाव ही है। माली तौर पर आप लोग की खुशफहमी में गिरफ्तार ना हो, माली तौर पर जहन में रखें कि मेरी क्या पोजीशन है, और कोई बड़ी खरीदारी ना कर बैठे। बड़ी खरीदारी करेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, तो जरा सोच समझ के आगे बढ़े। और ये जो बुध जुमरात है, कोई पुराना मसला है उसके लिए कोई आप नया तरीका सोच रहे हैं, उससे आप हल कर लेंगे। अच्छा, ये अच्छी बात है, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। आप सारे हफ्ते माली तहफ़ का सोच रहे हैं कि आई शुड हैव मैरिटल सेफ्टी, मैरिटल सिक्योरिटी। ये जितने दलवी हजरात हैं वह सब तो सोचेंगे कि हम मैरिटल अपना मॉनेटरी सिक्योरिटी किस तरह हासिल करें। बाकी आपके अजवाजी ज़िंदगी में आपके घर ज़ोल आया हुआ है। अच्छा, मैं दलवी हजरात से कह रहा हूँ, ज़ोल आया हुआ है, उसको ऐसे आपकी तबीयत किसी वक्त बहुत ही डाउन हो जाती है। ओके, मायूसी आती है शाम के वक्त, वाकई शाम आपको शाम ही नजर आती है, मायूस हो जाते हैं। तो ज़रा इससे जान छुड़ाइए और बस उस तरह सोचिए, और अपनी खुद आपके दोस्त इदारे यहाँ से आ रहे हैं, आपकी खुद इतमादी में इजाफा हो रहा है, उससे आप फ़ायदा उठाएं। और पूरा हफ्ता अल्लाह को याद करें, रूहानियत के सितारे बहुत अच्छे आए हुए हैं, अल्लाह आपकी बात सुनेगा। अच्छा, मैं आता हूँ। ट्रैवल वगैरह है? फिलहाल ट्रैवल नज़र नहीं आ रहा, ट्रैवल नज़र आएगा आपका 23 मई से लेकर 20 जून के दरमियान। और हेल्थ जो है वो? हेल्थ जो है थोड़ा सा ख्याल रखें, लेकिन आपके घर मरीज आए हुए। अच्छा, उस मरीज के आने वजह से आपको तवानाई मिल गई है। ओके, जो पिछले 5-6 हफ्ते तवानाई नहीं थी, अब मिल गई है। अब वो ऐसा ऐसा आप तवानाई हासिल करते जा रहे हैं, और मरीज में आपको एक्टिव किया हुआ है दलवी हजरात। मैं आता हूँ स्पाइसेस की तरफ। होती हजरात, आप जैसे चाहते हैं कि लोग मुझे, जैसे आप ख्वाहिश करती है आपकी कि मुझे लोग इस तरह कहें, ऐसा अच्छा हफ्ता आ रहा है कि आप लोग वैसे ही आपको कहेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, और आप महसूस करेंगे कि मैं ऐसे ही चाहता हूँ या चाहती हूँ जिस तरह लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। और आप बड़े बेहतरीन मूड में, बहुत बेहतरीन मूड में, बड़े स्मार्ट नजर आ रहे हैं आप। अच्छा, इस स्मार्ट होने की वजह से जाहिर है रोमांस जो है वो आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। स्मार्ट लोग जो रोमांस है ज्यादा प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। रोमांस जो है वो उन प्लैनेट के गिर्द होता है जो अब इस वक्त उती हजरात के घर आए हुए हैं, नेपच्यून। और वो अब नेपच्यून उनके अपने खाने में है, ऊपर से सूरज आए हुए हैं। अच्छा, और नेपच्यून जो है ये जो पाइसेस हैं के घर मुश्तरी भी आए हुए हैं। अच्छा, तो फिर जाहिर है इनके रोमानी मामलात ऐसे होने चाहिए जैसे कि मैं अर्ज कर रहा हूँ, और लोग इनकी तारीफ करेंगे, स्मार्ट नजर आ रहे हैं। ये जो आपकी स्मार्टनेस है, ये दिस स्मार्टनेस इज अट्रैक्टिंग समबडी। आई विश यू बेस्ट ऑफ इट, आपको कोई अच्छा आदमी मिले, और आपकी जो इस जहनी सलाहियतें डेवलप हों। आप बहुत ही अच्छे दिलो दिमाग के, हमदर्द दिलो दिमाग के मालिक हैं,
अल्लाह ताला इसको बढ़ाए, आप लोगों की मदद करें और जो आपकी घरेलू जिंदगी है वो भी बेहतर हो रही है, कोई अच्छी बात आने वाली है। ऑल इज वेल। वेल ऑन द होल आपकी रोमानवी जो है, आप आपको कुछ सदमा हुआ है जिंदगी में। अच्छा, वो जो सदमा हुआ है ना उस पर इतना बुरा असर पड़ा है आप पर। अब टाइम आ रहा है कि